नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अलंकार के संबंध में आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे होंगे, जैसे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या हैं, अलंकार के कितने प्रकार हैं, अलंकारों का वर्गीकरण क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, अलंकार। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। यानी कि जिस प्रकार कोई युवती अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती हैं, आभूषणों का प्रयोग करती हैं या गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए कवि जो हैं अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग करता है। यानी कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सभी अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा देखते हैं तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पुनः दोहरान करता हूं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब जो हम अलंकारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अर्थात कि अलंकारों को काव्यों में जो प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत अलंकारों के जो भेद किए गए हैं वो प्रमुखतः तीन हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला बिंदु है शब्दालंकार, अर्थात शब्द विशेष के माध्यम से अगर काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या कोई भी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। यानी कि यहां पर शब्द विशेष के द्वारा ही जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वही शब्दालंकार है। अर्थात इसको और अच्छे से समझें, अगर उस शब्द को जिसको अलंकार के रूप में काम में लिया है उस शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची अगर लगा दिया जाए तो वो अलंकार नष्ट हो जाता है, वहां पर शब्दालंकार होगा। क्योंकि शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ विशेष शब्द या शब्द डालने से ही वो चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत यमक और अनुप्रास अलंकार आते हैं। इसी प्रकार अर्थालंकार को समझते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत अर्थ विशेष के माध्यम से चमत्कार या प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यानी वहां पर शब्द विशेष का भाव नहीं रहता, अर्थ का भाव होता है। यानी उस अर्थ के माध्यम से ही वो शब्द अलंकार बना है, यानी कि उस अर्थ के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर अर्थालंकार होगा। इसके अंतर्गत लगभग सारे अलंकार आ जाते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, इसके साथ ही संदेह, भ्रांतिमान, मानवीकरण, ये सारे अलंकार जो हैं अर्थालंकार के अंतर्गत ही आएंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब यह है कि जहां पर दोनों शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जहां पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर उभयालंकार होता है। और उभयालंकार के अंतर्गत प्रमुखतः दो ही अलंकार आते हैं, एक तो श्लेष अलंकार और दूसरा वक्रोक्ति अलंकार। ये दो ही अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम अलंकार के संबंध में जिन जिन विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो परिभाषाओं को भी देखते हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकारों के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं हैं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। ये परिभाषा दी है सुमित्रानंदन पंत ने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनुन विराज ही कविता बनिता मित्त, अलंकार के लिए ये आचार्य केशवदास ने कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह परिभाषा दंडी ने दी है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा,
ये परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। प्रत्येक अलंकार का अलग से एक एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि अलंकार की परिभाषाएं, अलंकार को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, इसके साथ ही अलंकारों के भेदों का भी चर्चा उस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई विचार हो, आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।